पवित्र तीर्थ नगरी ओमकालेश्वर के समीप बने मोटका पुल में पिछले 2 से 3 दिनों से पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। लगातार बारिश के चलते यहां आवागमन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं प्रशासनिक ने एहतियात के तौर पर पुल से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुल पर आवाजाही बंद होने से इंदौर और इच्छापुर मार्ग बंद हो गया है। एक तरफ जहां वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोटका पुल अगर प्रशासन बंद नहीं करता तो पुल पर पहले भी दरारें आ चुकी थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। जी रोमी जी, क्या मामला है? मोटका पुल पर से अभी भी आवागमन बंद करके रखा है प्रशासन द्वारा। कितनी परेशानी हो रही वाहन चालकों को और क्या वहाँ के हालात है? ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के समीप ये मोटका का पुल बना हुआ है, इससे प्रतिदिन भारी आवाजाही रहती है। इंदौर इच्छापुर का ये मार्ग है और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कल से मूसलाधार बारिश लगातार लगी हुई है। फिलहाल अभी बारिश हो रही है, बारिश कहर बन के गिर रही है। इससे व्यापारी किसान मजदूर का चिंतित है। और जहां तक मोटका पुल की हम बात करेंगे तो पिछले लगातार 3 दिनों से ओंकारेश्वर बांध का जो लेवल है पानी का बढ़ रहा है। गेट खोलने की बंद करने की प्रक्रिया चल रही है जी। आज भी कुछ गेट खोलने का ऐसा बताया जा रहा है, जिससे मोटका पुल जो वर्षों पुराना पुल है और जिससे भारी दबाव रहता है यातायात का, और ये पुल 3 दिनों से आवाजाही बंद है। लोग जो निकलने वाले जो वहां से जो राहगीर है यातायात का बड़ा उनको दिक्कत हो रही है, घूम के जाना पड़ रहा है जी। और अभी बताया जा रहा है कि जब ये मूसलाधार बारिश जो खंडवा जिले में हो रही है और ओंकारेश्वर बांध के लेवल और जो जलस्तर ऊपरी बारिश से बढ़ रहा है, उससे और 2 दिन अभी मोटका पुल की आवाजाही को रोक कर दी गई है, क्योंकि प्रशासन लगातार मूसलाधार बारिश से हाई अलर्ट है और किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठाना चाहता है। इसको देखते हुए पुल का आवागमन फिलहाल बंद है जी। जी रोमी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।